सेंट्रल बैंक में हम लोग को फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने मिला 51 रुपीज़ 90 पैसे के पास। लगभग स्टॉक में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है जो कि 55 रुपीज़ का लेवल है, क्योंकि देखेंगे तो ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में स्टॉक ट्राई किया था 55 रुपीज़ के ऊपर निकलने का, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ हम लोग को तेज़ी से लगभग 40 रुपये तक का गिरावट दिखा है। लेकिन स्टॉक में नीचे की तरफ एक सपोर्ट भी है जो कि 40 रुपीज़ का लेवल है, तो जब तक स्टॉक इस 15 रुपीज़ की रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक हम लोग को साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए स्टॉक को एटलीस्ट एक 55 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो स्टॉक में नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि 45 रुपीज़ का लेवल है, क्योंकि देखेंगे तो पास्ट हम लोग को 2-3 महीने से स्टॉक लगभग 45 रुपीज़ के ऊपर ट्राई कर रहा है सस्टेन करने का। अगर एक बार स्टॉक 45 रुपीज़ के नीचे निकलेगा तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40 से लेकर हम लोग को 30 रुपीज़ तक का भी गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि देखेंगे तो एक नीचे से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन भी जाते हुए दिख रहा। तो अगर एक बार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट दिखाएगा तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा और हम लोग को नीचे की तरफ तेज़ी से फॉल देखने मिल सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है, अगर एक बार स्टॉक 55 रुपीज़ के ऊपर निकलता है और ऊपर के लेवल पर ऑलमोस्ट 3-4 दिन सस्टेन करता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेंट्रल बैंक में टारगेट होगा जो कि 80 रुपीज़ तक का होगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक हम लोग को 100 से लेकर 120 रुपीज़ तक का भी टारगेट दिखा सकता है, जो कि यहाँ से मोर देन 100% का रिटर्न निकल के आता है ऊपर की तरफ। तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक में तो होल्ड करेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा अराउंड 45 रुपीज़ के पास। कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है स्टॉक में, थोड़ा गिरावट है 1-2 रुपये तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर एक 55 रुपीज़ का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।